आप ही की पार्टी के एक नेता हैं सर, सुब्रमण्यम स्वामी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। आज वेदांती जी ने कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट नहीं करना चाहिए और राम मंदिर बना देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के लिए आगे चुनाव भी है, क्या कहेंगे सर? ये वेदांती जी का व्यक्तिगत मैंने मत है, डॉक्टर स्वामी इस देश के सम्मानित नागरिक भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनका व्यक्तिगत मत है। भारतीय जनता पार्टी उससे बदी हुई है जो उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है, और उसमें हमारा स्टैंड साफ है और वही बात सरकार मुझे लगता है कि वही मानेगी जो घोषणा पत्र में कहा है। पर कई सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में भी अभी कही जा रही हैं जो अभी पिछले सरकार में हो रही हैं, जैसे एक साल से उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, इनकाउंटर्स की बात हो रही है, रामनवमी पे तरह तरह के जुलूस जो निकल रहे हैं जिसपे भी कई जगह के लोगों से आवाज़ उठ रही, तो आपको लग रहा है कि माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है उस तरह से, या चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से ही होती रही हैं? मुझे नहीं लगता है कोई माहौल बदलने की कोशिश हो रही है। मैं जब बच्चा था तब से रामनवमी के जुलूस को मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि रामनवमी पर मैंने इस देश में अगर जुलूस नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, रामनवमी का भी जुलूस निकलना चाहिए और दूसरे धर्म के लोग भी अपना जुलूस निकालें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हथियार जो हुआ खास करके बंगाल में जो हुआ वो तो ठीक नहीं है, बिहार में भी हुआ। कई जगह हथियार भी निकलते हैं और वध भी किया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार में कई ऐसे मंदिर हैं जो उसी से प्रसाद ही चढ़ाते हैं। नहीं वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रचार इसका ज़्यादा हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से ये काम मैंने हर धर्म का आदमी जिसमें उसकी आस्था है उसे करने की इजाज़त देश में होनी चाहिए। वो अगर कोई रामनवमी मनाता है तो उसको हथियार लेके चलना, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तो वो वीरता और शौर्य यही प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो तलवार उसी का प्रदर्शन करती है।